हिंदुस्तान आज जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है, क्योंकि देश की स्वतंत्रता के लिए ना जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानी दी है, तब जाकर हमें ये खूबसूरत आज़ादी मयसर हो पाई है। इस खास मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में महानीम चौराहे से शमशाबाद के पुराने बस स्टैंड तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश मीणा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विदिशा जिले के युवा मोर्चा की पूरी टीम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व मंत्री और हाल ही में जिला सहयोजक बने सूर्य प्रकाश मीणा ने कहा कि जिला सहयोजक भी चुनाव लड़ सकते हैं, उनके लिए जिला सहयोजक का पद कोई बाध्यता नहीं है। बता दें कि पूर्व मंत्री लगातार शमशाबाद में सक्रिय नजर आ रहे हैं। मूलतः तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यक्रम था, संपूर्ण देश में आदरणीय मोदी जी ने आह्वान किया था, ये हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा, उस योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा को कार्यक्रम दिया था और हम लोगों ने जिला स्तर पर एक तैयारी करके विधानसभा वाइज इस कार्यक्रम को हमने तैयारी की और हर विधानसभा मुख्यालय पर ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। सिरोंज में हो गया, आज यहाँ है 4 बजे विदिशा में, बाकी दोनों विधानसभाओं में भी शायद आज या कल में होने वाला है।